हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? एवरीवन इज फाइन आई थिंक, गुड। देन वी आर गोइंग टू, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओपन अवर स्कूल। देन लेट स्टार्ट। हम सब जन बहुत ही दिनों के बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हम सबको स्कूल अटेंड होना नहीं हो रहा है। सो एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हो गया है सबका। तो हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप सबका एजुकेशन अच्छा हो, इसलिए हम टीचर्स सब बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए हमें आपका भी, स्टूडेंट और पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। इसलिए तो हम ऑनलाइन आपको टीचिंग करेंगे। लेट हम अब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी के अल्फ़ाबेट्स यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में आज हम सीखेंगे। ओके, वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि क्या? इंग्लिश में उसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। वर्णमाला में क्या क्या आता है? स्वर और व्यंजन आते हैं। क्या आता है? स्वर और वर्णमाला यानी कि फर्स्ट उसमें क्या आता है? स्वर। और सेकंड वाला क्या है? व्यंजन। तो हम आज क्या करेंगे? सिर्फ स्वरों के बारे में थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करेंगे। ओके, स्वर यानी कि क्या बच्चों? ओवल्स। क्या है? ओवल्स। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ओके, स्वर, स्वर में क्या क्या आता है? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। इतना ही है बेसिक। तो आपने ये सब कुछ पहले सीखा है। हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। ये सब क्या है? स्वर। स्वर यानी कि क्या? ओवल्स है। ओके, आप सबको समझ में आ रहा है ना? हम अब क्या करेंगे? स्वर कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ओके, लेट्स। ओ, क्या कहते हैं इसे? ओ। आ, ई, ई, ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको? ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, और ये रहा आखिरी का आहा। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों? ओवल्स। ओवल्स आने की स्वर है। ओके, तो इसे कैसे पढ़ना है देखिए। ओ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। तो ये रहे अपने स्वर। तो हिंदी में, हिंदी वर्णमाला है, स्वर कितने हैं? 13। कितने स्वर है? 13 स्वर है हिंदी वर्णमाला में। 13 स्वर है। स्वर यानी कि ओएस। तो आपको मैंने अब जो सिखाया है वो आपके पेरेंट्स के साथ आपको घर में रिवीजन करना है। ओके, तो हम इस स्वर को कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। ओ, आ, ई, ई, ऊ,
दीर्घ और स्वर कैसे होते हैं वो हम अब देखेंगे। ओ यानी कि क्या? ओ इसका उच्चार कैसे होता है? ओ। और यहाँ पे डिफरेंस देखिए, आ कैसे होता है? अ और आ, तो ये क्या है? ओ आ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओ आ। ये है ई, ई स्वर ऊंचा करना है। अ अ आ का स्वर ऊंचा हो जाएगा, आ। समझ में आ रहा है ना? ई ई ओ ओ क्या होगा? उ उ। उ का स्वर बड़े उ का स्वर क्या होगा? ऊंचा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसे क्या कहते हैं? री। क्या कहते हैं इसे? री। ए स्वर कैसा है? बड़ा है। ए ए जैसे कि अ आ, ई ई, उ ऊ और री। ए आई तो सेम ओ औ। क्या आता है? ओ औ। ओ का स्वर और स्वर, औ का स्वर कैसे होगा? बड़ा होगा, स्वर को खींचना है। औ गुड। आम आहा। क्या करना है? आम आहा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो और एक बार देखिए। अ आ ई ई उ ऊ दी ए आई ओ आउ आम आ। तो ये है हमारे स्वर। और स्वर कितने होते हैं? स्वर मैंने आपको बताया 13 स्वर होते हैं। समझ में आ रहा है? गुड। हमने क्या सीखा? स्वर का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो आप सबको बच्चों क्या करना है, ये आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ आपके माता पिता के साथ इसकी रिवीजन करनी है। ओके, तो स्वर कैसे बोलते हैं, स्वर कितने हैं, कितने स्वर है टोटल? 13 स्वर स्वर है। कितने स्वर है? 13 स्वर है। अभी हमने देखा कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसे होता है, ये हमने अभी देखा। ओके, देन स्वर उस स्वरों को अल्फाबेट्स, अंग्रेजी अल्फाबेट्स कौन कौन से आता है। ओके, अ आ ई ई समझ में आ रहा है? ई यानी कि आ और ई,
ओके क्या आएगा ऊ ऊ और री ऊ ऊ स्मॉल ऊ है तो इसका स्वर नीचे है तो ऊ और ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ ओके बड़े ऊ का स्वर कैसे होगा बड़ा ऊ ओके तो छोटे ऊ का स्वर छोटा है ऊ और ऊ तो डबल ओ अब री री तो हम इसे आप सब चल कन्नड़ लैंग्वेज जब सीखते हैं तब उसे क्या बोलते हैं रू बोलते हैं आई थिंक रू तो आप जब हिंदी वोवेल्स में ये वर्ड पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ना है री क्या पढ़ना है री री ओके ओ आ ई ई ऊ री यहां तक समझ में आया सबको ए ई ए क्या आता है ए ई गुड ए आई इसका स्वर ए आई इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया है ना ए छोटा वाला ए का ए और इसका कैसे आता है ए आई आई इसका स्वर बड़ा होता है ना ए आई और सेम है बच्चों देखो ओ आउ ओ का स्वर स्मॉल है ओ आउ आउ का स्वर कैसे है दीर्घ है यानी कि बड़ा है ओ आउ ओके ओ आउ समझ में आ रहा है ओ ओ आउ वैसे ही आ आ आहा समझ में आ रहा है ना सबको आम आहा ओ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ आउ आम आहा रिपीट और एक बार आप मेरे साथ पढ़िए ओके ओ आ ई ई स्वर पे ध्यान दीजिए कौन सा स्वर दीर्घ है ओके अ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ आउ आम आहा तो आई थिंक आप सबको ओवल्स के बारे में स्वरों के बारे में रिवीजन मैंने करवा दी है तो आप सबको समझ में आ रहा है ओके बच्चों आप जब स्वरों को पढ़ते हैं पढ़ते हो ना तब बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि स्वर और व्यंजन क्या है ये अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स स्वर और अल्फाबेट्स यानी कि स्वर और व्यंजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी हिंदी की विद्या में जब आपको स्वर और व्यंजन ही नहीं आएंगे तो आप रीडिंग यानी कि पढ़ना ही नहीं आएगा आपको तो इसके लिए आपको बेसिक आना जरूरी है बेसिक स्वर और व्यंजन आना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए आप क्या करना है इसे हर रोज घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है स्वर व्यंजन इसका बार बार रिवीजन करना है ओके आपको जब स्वर और व्यंजन आएंगे तभी आपको ज्वाइंट लेटर्स पढ़ने आएंगे ज्वाइंट लेटर्स पढ़ने आएंगे तभी आपको रीडिंग आएगी सो इसके लिए आपको जो मैं सिखाती हूँ या मैं जो ऑनलाइन में आपको सब वीडियोस वगैरह आते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है आपके पेरेंट्स के साथ पेरेंट के साथ बैठ के उसे समझ में लेना है और उसे बार बार रिवीजन करनी है ओके आपका आज का होमवर्क है कि आप ये सब एच डब्ल्यू यानी कि आपका आज का होमवर्क क्या है आपको स्वर
आपके बुक में लिखने हैं। यहाँ पे जैसे लिखे हैं, जैसा सिखाया है, वैसे आपको ये स्वर आपके बुक में लिखने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके, चलो बच्चों, हम अब व्यंजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ओके, व्यंजन यानी कि कंसोनेंट्स। ओके, व्यंजन यानी कि क्या है? कंसोनेंट्स। तो हमने अब क्या सीखा पहले? ओवेल्स। ओवेल्स यानी कि क्या सीखा है? स्वर। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? व्यंजन। ओके, स्वर है। तो हम अब क्या सीखने जा रहे हैं? व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो बताइए बच्चों, व्यंजन कौन कौन से है? व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, द, ध, न, त, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये सब क्या है? व्यंजन्स। क्या है अपने सब? व्यंजन्स है। तो हम अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ओके, हम देखेंगे कि व्यंजन्स लिखते कैसे हैं। ओके, पढ़िए मेरे साथ। क, ख, ग, घ, न, स, छ, ज, झ, न। ओके, ट, ठ, ड, ध, न। तो इसके बाद क्या आता है? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। क्या आता है? प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। य, र, ल, व, श। य, र, ल, व, श। के बाद श क्या आता है? श के बाद श आता है। क्या आता है श के बाद? क्ष, श, श, स, ह। श, स, क्ष, ह। क्या आता है बच्चों? श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष,
त्र ज्ञ और आखिरी वाला श्र। क्या आता है? श्र। ये सब क्या है बच्चों? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो चलिए एक बार मेरे साथ आप सब पढ़िए। क ख ग घ न। इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चार कैसे करते हैं देखो। क ख ग घ न। स छ ज झ न। ट ठ ड ढ न। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श। श क्ष ह क्ष त्र ज्ञ श। ओके, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो हमने आज क्या क्या सीखा है? स्वर और व्यंजन सीखे हैं। आप सबको इसकी ध्यान से घर में रिवीजन करनी है। ओके okay?